हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में गाइस, आज की इस नए वीडियो में मैं बताऊंगा एक और फ्रॉड के नए तरीके के बारे में। लोग किस किस तरीके से फ्रॉड करने से बाज नहीं आते यार। मैं हर दिन कुछ ना कुछ देखता रहता हूं, तो भैया मुझे कुछ ना कुछ पता लगता है, तो मैं सोचता हूं क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ जानकारी को शेयर किया जाए। आज भी मैं आपको बताऊंगा एक नए मेथड के बारे में जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है और उसमें लोग फंसते जा रहे हैं। तो भैया आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। अगर आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों से कि एक स्मार्टफोन आपको खरीदना है, ओल्ड मतलब पुराना सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीदना है, तो आपके सामने कौन सी वेबसाइट आती है? मेरे हिसाब से शायद OLX के अलावा दूसरा कोई दिमाग में आपके आता नहीं है। या आपको अपना पुराना फोन बेचना है तो आपके दिमाग में केवल OLX आती है। लेकिन आप तो बेचने खरीदने की बात करो, उसके बीच में कुछ चोर लोग भी घुसे हुए हैं जो आपको बेवकूफ बना के आपका पैसा ठगने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग, मुझे मालूम है आप सभी लोग अवेयर हो, सब कुछ जानकारी है, लेकिन वो ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनसे एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति जिसको पूरी नॉलेज है इन सभी चीजों के बारे में, वो भी धोखा खा सकता है। तो आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको हर एक स्टेप बताऊंगा कैसे वो बंदे किस तरीके से वो कर सकते हैं, क्या आपको सावधानियां बरतनी है, कैसे अगर आपको खरीदना है या बेचना है तो आप केवल कौन से मेथड को अपनाएं तो आप बच सकते हैं। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब वाला लाल बटन आप सभी के लिए है, उसे दबाओ, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो ताकि और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज अच्छे अच्छे कंटेंट मैं बना सकूं। और सपोर्ट करो, मैं वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया या मैंने कुछ वीडियो में गलत बताया तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक वाला बटन भी आप सभी लोगों के लिए है। जो काम अच्छा है उसको अप्रिशिएट करो लाइक करके, जो काम गलत है उसे डिसलाइक करके डिमोटिवेट भी करो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, किसी भी तरह के कोई सवाल आपको पूछना है मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, आपको जरूर से रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए गाइस, फटाफट से हम बात करते हैं आज के टाइम पे OLX पे किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। देखिए गाइस, आज अगर मेरे को कोई भी स्मार्टफोन खरीदना है, ओल्ड स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं, सेकंड हैंड स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं, मैं कोई नए स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, कोई सा भी ओल्ड स्मार्टफोन आपको खरीदना है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? भैया मैं तो OLX पे जाऊंगा टक 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 और फिर सर्च कर लेता हूं। आप लेने गए थे कोई 5,000 या 10,000 का फोन, वो भी सैमसंग या MI वगैरह का कोई फोन जो 5,000 या 10,000 रुपए के बीच में था, ठीक है। अब आपके सामने वहीं पे आप सर्च तो करने गए थे ये, और निकल के आता है 7,000 रुपए में आपके सामने iPhone X या iPhone का ये वाला वर्जन या फलाना Realme का ये वर्जन या OnePlus का ये वर्जन, जो फोन मार्केट में नए की कीमत 40,000 रुपए की है और वो आपको वहां पे 7,000 रुपए में दिखाई देता है सेकेंड हैंड में। यार 40,000 की चीज अगर सेकेंड हैंड में 7,000 रुपए में मिल रही है तो बहुत बढ़िया है, बहुत इकोनॉमिक कॉस्ट है। लेकिन यार थोड़ा सा तो माइंड को खुद का भी तो चलाओ यार आप सभी लोग, 7,000 रुपए में कैसे मिल सकती है 40,000 रुपए की चीज? पहली बात तो या तो उसमें कुछ खराबी होगी इसलिए वो 7,000 रुपए में बिच रहा है। अगर किसी को पैसे की अर्जेंसी भी होती ना तो 40,000 की चीज 7,000 या 5,000 रुपए में कभी कोई नहीं बेचता है। अगर हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, कम समय में ज्यादा या मतलब बढ़िया चीज कम पैसे में, तो समझ जाना वही कोई ना कोई घफला है। तो भैया वो क्या करते हैं, फ्रॉड होते हैं वो लोग। सारे फ्रॉड नहीं होते यार, देखो कुछ लोग हो सकते हैं कि एक्चुअल में 7,000 में बेचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, वो समझने की आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं OLX पे किस तरीके से फ्रॉड होता है। देखिए OLX में क्या होता है कि आपको कोई भी फोन खरीदना है, मान के चलिए मुझे MI का कोई फोन खरीदना है और मेरा बजट है 5,000 रुपए का। अब 5,000 में मैंने MI का फोन अगर मैं बात करूं तो मैंने तो ये मान के चलिए कि 5,000 रुपए में मेरे को कोई भी फोन खरीदना है, ठीक है। अब मैंने 5,000 रुपए में फोन खरीदना है और मैंने सर्च किया और मेरे को कोई ना कोई फोन वहां पे दिखाई देगा जो मुझे पसंद आ रहा है, मेरे बजट के अकॉर्डिंग है वो फोन, ठीक है। अब मुझे वो फोन लेना है 5,000 रुपए में, तो यार मैं अगर मान लीजिए जयपुर से बिलोंग करता हूं, मान लीजिए कि मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूं, ठीक है। अब मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और वो जो फोन बेचने वाला बंदा है जिसने एड डाला है अपना OLX पे, वो बंदा बिलोंग करता है हरियाणा से या दिल्ली से या पंजाब से, कहीं से भी, कोई से भी स्टेट से या कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से, कहीं से भी वो बिलोंग करता है। अब वो बंदे, उस बंदे को अगर मैं कांटेक्ट करता हूं तो भैया वो बंदा ही कहता है कि भैया आप तो जयपुर से हो, मैं यहां से आपको कोरियर लगा दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर दो। तो क्या आपको पेमेंट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। बिकॉज मैं ये नहीं कहता हूं कि वो बंदा फ्रॉड है सच में, लेकिन यार कुछ इसी तरीके से फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, आप सभी लोग बच के रहिए। वो लोग क्या करेंगे कि आप बोलोगे कि यार एक काम करो, फोन का मुझे फोटो भेज दो,
फोन है ना का एक वीडियो बना के लाइव मुझे भेज दो, या फोन को आप जब कोरियर करने जाओ तो कोरियर की रिसिप्ट मुझे दे दो, या अपना एक डॉक्यूमेंट मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। गाइस वो सभी चीजें आपको भेज देंगे यकीन दिलाने के लिए। अब वो आधार कार्ड भेजेंगे, पैन कार्ड भेजेंगे, वो किसका होगा नो आइडिया। आपको क्या पता सामने वाले बंदे का क्या नाम है और जिसने ऐड डाला है उसका क्या नाम है। नंबर भी किसी का भी दे सकते हैं, नंबर बंद भी हो सकता है। तो यार आप फंसोगे अपने 5-10 हजार रुपए के लिए, कहां कहां चक्कर लगाओगे। आप लोगों से यार घुमा फिरा करके अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूं कि ओएलएक्स पे कोई भी चीज अगर आप खरीदना, मेरा जो पर्सनल सजेशन है, जिस चीज को मैंने माना है और जिस चीज को मैंने अप्लाई करके देखा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको ओएलएक्स पे कोई भी फोन या कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल और केवल अपने जो जितने नियरेस्ट वाला जो बंदा हो ना, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो वहां का ही कोई बंदा है तो आप खरीद लो, फायदे में रहोगे। उससे कांटेक्ट करो, उससे पूछो मैं यहां हूं, तुम यहां हो, मैं कहां पे आपसे मिलके ये सामान ले सकता हूं। लाइव आप उसको उधर से पैसे दो, उधर से वो सामान लो, काम खत्म। आप किसी की भी पोस्ट के बहकावे में मत आना, क्योंकि ओएलएक्स में बहुत सारे फेक एड भी लोगों ने डाले हुए हैं, जबकि ओएलएक्स बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा मीडियम है, लेकिन इसको कुछ लोग खराब करने में लगे हुए हैं। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ओएलएक्स पे कुछ भी खरीदना है तो आप ऐसे किसी बंदे को सर्च कीजिए जो आपके नियरेस्ट हो, 5-10-15 किलोमीटर, जहां तक आप अफोर्ड कर सकते हो, जहां तक उससे मिलके ले सकते हो, या अगर 50 किलोमीटर दूर भी है और आपको लगता है कि मैं जाके ले सकता हूं तो भैया जाके लीजिएगा। कोरियर के भरोसे किसी से मत रहिएगा। हो सकता है कि 1% वो बंदा सच भी कह रहा हो, वो कोरियर आपको लगा भी दे, घर भी पहुंचा दे, लेकिन यार फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बी अवेयर रहिएगा। आज का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा ऐसे मार्केट में ऐसे लोग हो चुके हैं जो लोगों को फ्रॉड बना करके अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। तो यार बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ भी अगर मार्केट में नया है या ऐसा कुछ भी आता है तो मैं आपको इसकी सबसे पहले जानकारी दे दूंगा। और यार गाइस इस वीडियो पे मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कम से कम यार एटलीस्ट 200 लाइक कर देना यार आप सभी लोग मिलके, और चाहूंगा यार दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के काम आ सके। अगर मेरे वजह से किसी भी एक बंदे का फ्रॉड होने से बच जाता है ना तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। गाइस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपको पूरा देखिए तो वीडियो देखने के बाद यदि लगता है मैंने आपका टाइम खराब किया है तो वीडियो को डिसलाइक वाला बटन दबा के भी चाहिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।